अगर हमारी वीडियोस पसंद आएं तो चैनल को करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तलीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें बच्चो उ आप सब है ठीक होंगे तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना यूनिट फोर एंड कर लिया था ठीक है आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग यूनिट फोर जो हमारा है मनी वाला ठीक है उसको रिवाइज़ करेंगे आ, हम लोग इसलिए रिवाइज़ करेंगे ताकि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ठीक है या आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाए ठीक है तो आपने क्या करना है बस आपने अटेंटिव होकर मुझे सुनना है ठीक है अच्छा बच्चों तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी कॉइंस एंड नोट्स पाकिस्तानी सिक्के और नोट्स व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं वी नीड मनी टू बाय थिंग्स हमें पैसों की ज़रूरत होती है ताकि हम चीज़ें ख़रीद सकें मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स ठीक है और का क्या मतलब होता है या ठीक है ये जो लिखा है ओ आर और इसका क्या मतलब होता है या ठीक है जो पैसे होते हैं वो सिक्कों या नोट्स की फॉर्म में या शक्ल फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब आएगा शक्ल ठीक है कि शक्ल में होते हैं ठीक है ईच कॉइन एंड नोट हैज़ टू साइड्स अब हर जो सिक्का है और नोट है उसकी दो साइड्स होती हैं ठीक है लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन् एंड रीड देयर वैल्यू सबसे पहले हम पाकिस्तानी कॉइन को पाकिस्तानी जो सिक्के हैं उनको देखते हैं फिर हम उनकी वैल्यू को क्या करते हैं पढ़ते हैं रीड करते हैं ये जो हमारे पास सिक्का है ये है वन रुपी कॉइन ठीक है ये हमारे पास एक रुपए का सिक्का है ठीक है इसकी ये दो साइड्स हैं आपको नजर आ रही हैं एक ये साइड है और दूसरी ये वाली साइड है ये जो हमारे पास सिक्का है ये है टू रुपी कॉइन ठीक है ये दो रुपए का सिक्का है इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है ठीक है फिर हमारे पास ये जो सिक्का है ये है फाइव रुपी कॉइन ये पाँच रुपए का सिक्का है इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है ठीक है ये जो है हमारे पास ये है टेन रुपी कॉइन ठीक है ये दस रुपए का सिक्का है इसकी एक साइड ये है और उसकी इसकी दूसरी साइड क्या है ये वाली है ठीक है तो ये कॉइन्स आपने देख लिए होंगे एक रुपए का है दो रुपए का पाँच रुपए का और दस रुपए का क्या है ये इस, ये सिक्के हैं ठीक है थीके? अच्छा पेज नंबर एटी नाइन आ, आ जाए अच्छा इसमें हमने क्या देखना है लुक लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स एंड रीड देयर वैल्यूज़ ठीक है हमने uh, जो हमारा पेज नंबर एटी एट था उस पर हमने पाकिस्तानी कॉइन्स को देखा और उनकी वैल्यू को हमने क्या किया रीड किया अब हम पाकिस्तानी नोट्स को देखेंगे और उनकी वैल्यू को रीड करेंगे ये जो हमारे पास ये आपको नोट uh, नजर आ रहा है ये टेन रुपी नोट है ये दस रुपए का नोट है ठीक है इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये वाली है ये जो है ये है ट्वेंटी रुपयी नोट ठीक है ये बीस रुपये का नोट है इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये है ये है फिफ्टी रुपयी नोट ये पचास रुपये का नोट है इसकी एक साइड ये है और दूसरी साइड ये वाली है ठीक है ये है हमारे पास रेड कलर का हंड्रेड रुपी नोट ठीक है ये है इसकी एक साइड ये वाली है और दूसरी साइड ये वाली है ठीक है तो आपने नोट्स को देख लिया हमारे पास यहाँ पे एक दस रुपए का नोट है ठीक है उसके बाद बीस रुपए का नोट है पचास रुपए का नोट है और सौ रुपए का नोट है ठीक है इनकी आपने दोनों साइड्स भी देख ली होंगी अच्छा कॉइन्स आर मेड ऑफ़ मेटल वायल नोट्स आर मेड ऑफ़ पेपर ठीक है जो सिक्के होते हैं वो दहात के बने होते हैं आपने देखे होंगे सिल्वर से ठीक है उन पर वो कलर्ड होते हैं जैसे हमारे पास दस और जो पाँच रुपए का सिक्का होता है वो गोल्डन कलर में होता है ठीक है लेकिन बेसिकली वो दहात से बने होते हैं जिसको हम इंग्लिश में मेटल बोलते हैं वायल जबकि नोट्स आर मेड ऑफ़ पेपर ठीक है और ये जो नोट्स होते हैं पैसों के ठीक है ये किस चीज़ के बने होते हैं ये पेपर के बने होते हैं ठीक है जैसे जो, ये जो हमारी बुक ये जो पेज है ठीक है ये पेपर से बना हुआ है तो हमारे जो ये पैसे होते हैं जो नोट्स में होते हैं ये भी किस चीज से बने हैं इसी पेपर से बने हैं ठीक है थीके? अच्छा पेज नंबर नाइन्टी पे आ जाए राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट ठीक है अब हमने कॉइन को भी देख लिया हमने नोट को भी देख लिया अब हमने यहाँ पे क्या करना है खुद से वैल्यू लिखनी है इसको देख के ये जो सिक्का है देखें यहाँ पे इस पर एक रुपया लिखा है इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास वन रुपी कॉइन है ठीक है ये हमारे पास टू रुपीज़ कॉइन है ये हमारे पास फाइव रुपीज़ कॉइन है ये हमारे पास टेन रुपीस कॉइन है ये हमारे पास टेन रुपीस नोट है ठीक है ये हमारे पास ट्वेंटी रुपीस नोट है ये हमारे पास क्या है फिफ्टी रुपीस नोट है और ये हमारे पास हंड्रेड रुपीस नोट है ठीक है पेज नंबर नाइन्टी वन पे आ जाए चेंजिंग मनी ठीक है के चेंजिंग मनी मतलब पैसों की तब्दीली ठीक है वी कैन एक्सचेंज वन हाई वैल्यू कॉइन फॉर अदर लोअर लोअर वैल्यू कॉइन ठीक है ये इसमें अब हमें ये क्या बता रहे हैं कि हम लोग एक आला कीमत के सिक्के को ठीक है एक ज़्यादा कीमत वाले ए, सिक्के को दूसरे कम कीमत के सिक्कों से बदल सकते हैं लोअर वैल्यू का क्या मतलब होता है कम कीमत हाई वैल्यू आला कीमत एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना ठीक है अब ये यहाँ पे हमें बताया कि हम किस तरह से आ, कितने पैसों को कितने पैसों में एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे वन टू रुपी कॉइन है ठीक है इसको हम टू वन रुपी कॉइन्स में एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है अच्छा उसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो मनी का यूनिट है वो क्या है रुपीज़ है ठीक है मनी का यूनिट क्या है रुपीज़ है अच्छा उसके बाद ये हमारे पास वन फाइव रुपी कोइन है ठीक है इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं फाइव वन रुपी कोइन से मतलब कि पाँच एक रुपए वाले सिक्कों से हम वन फ़ाइव रुपी कोइन को क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं और ये आर एस रुपीज़ के लिए होता है और आर ई जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है वो रुपी के लिए होता है ठीक है वन टेन रुपी कोइन ठीक है इक्वल टू फाइव रुपी कोइंस ठीक है एक जो दस रुपये वाला सिक्का होता है वो दो उसको हम दो पाँच रुपए वाले सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है वी कैन एक्सचेंज वन हाई वैल्यू नोट फॉर द अदर लोअर वैल्यू कॉइन्स एंड नोट्स ठीक है जिस तरह से हम लोग आला कीमत के सिक्के को कम कीमत के सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं इसी तरह हम ज़्यादा कीमत वाले जो नोट्स होते हैं पैसे होते हैं उनको हम कम कीमत वाले सिक्कों से या नोट्स से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास यहाँ है वन रुपी वन टेन रुपी नोट ठीक है वन टेन रुपी नोट को हम फाइव टू रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं मतलब कि एक दस रुपए वाले नोट को हम पाँच दो रुपए वाले सिक्कों से क्या कर सकते हैं हम एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? बदल सकते हैं पेज नंबर नाइन्टी टू पर आ जाएँ अच्छा वन टू वन ट्वेंटी रुपी नोट ठीक है एक बीस रुपए का जो नोट है उसको हम टू टेन रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है मतलब एक बीस रुपए वाले नोट को हम दो दस रुपए वाले नोट से क्या कर सकते हैं नोट से हम एक्सचेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं <laughs> सॉरी वन फिफ्टी रु नोट ठीक है इसको हम किससे एक्सचेंज कर सकते हैं फाइव टेन रुपी कॉइन्स से ठीक है वन फिफ़्टी रुपी का जो नोट होता है इसको हम पाँच दस रुपए वाले सिक्कों से एक्सचेंज कर सकते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक पचास रुपए वाला जो नोट है वो पाँच दस रुपए वाले सिक्कों के बराबर होता है ठीक है वन हंड्रेड रुपी नोट ठीक है एक सौ रुपये का जो नोट है हम उसको फाइव ट्वेंटी रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं मतलब एक सौ रुपए वाले नोट को हम पाँच बीस रुपए वाले नोट से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं बदल सकते हैं वी कैन ऑल्सो चेंज एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट कम्बिनीशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स ठीक है तो कंबिनेशन का क्या मतलब होता है मिलाप मिला हुआ ठीक है कम्बाइन करना दोनों चीज़ों को कम्बाइन करना मतलब उनको मिलाना ठीक है या दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना ठीक है कम्बाइन का मतलब इकट्ठा भी हो सकता है अच्छा अब इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि वन रुपी नोट एक जो बीस रुपए वाला नोट है ठीक है हम उसको वन टेन रुपी नोट और टू फाइव रुपी कोइंस से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है पेज नंबर नाइन्टी थ्री पे आ जाए अच्छा अब हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि वन फिफ्टी रुपी का जो नोट है उसको हम टू ट्वेंटी रुपी नोट्स एंड वन टेन रुपी कॉइन्स से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं अब वन हंड्रेड रुपी का जो नोट है उसको हम वन फिफ्टी रुपी नोट और टू ट्वेंटी नोट्स और वन टेन रुपी कॉइन से एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है अब है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू एक्सचेंज रुपीज़ हंड्रेड हाँ तो हम वन uh, हंड्रेड को हम टू फिफ्टी रुपी नोट से भी एक्सचेंज कर सकते हैं अच्छा कंप्लीटली फॉलोइंग वन टेन रुपी कॉइन किसके बराबर है टू फाइव रुपी के वन टेन रुपी जो नोट है वो किसके बराबर है फाइव टू रुपी कॉइन्स के ठीक है वन फिफ्टी रुपी का जो नोट है उसको हम टू ट्वेंटी रुपी नोट्स और टू फाइव रुपी कॉइन्स से एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर वो उसके बराबर है वन हंड्रेड रुपी का जो नोट है उसको हम टू फिफ्टी रुपी नोट से क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं ठीक है तो पेज नंबर नाइन्टी फोर पे आ जाएं अच्छा इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने सबसे पहले ये जो हमें पैसे दिए हैं इनको हमने ऐड करना है उसके बाद हमने क्या करना है इनको मैच करना है ये जो हमारे नेक्स्ट ग्रुप्स हैं इनके साथ मैच करना है तो ये हमारे पास फोटी रुपीज़ हैं ये थर्टी रुपीज़ हैं ये एटी रुपीज़ हैं फिफ्टी रुपीज़ हैं और ये हंड्रेड रुपीज़ हैं और इसका हमें कैसे पता चला हमने इनकी एडिशन की हमने इनको ऐड की है ठीक है एडिशन किया हमने ये हमारे पास हंड्रेड है ये फ़िफ्टी है ये थर्टी है ये एटी है और फोटी है ठीक है अब ये जो फोटी है इसको हमने इस फोटी वाले के ग्रुप के साथ मैच कर लिया इस 30 को हमने इस 30 के साथ 80 को हमने यहाँ पे 80 के साथ 50 को हमने यहाँ पे 50 के साथ और 100 को हमने यहाँ पे 100 के साथ मैच कर लिया ठीक है पेज नंबर 95 पे आ जाए टिक द बॉक्स इफ़ यू कैन बाई दी ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मनी ठीक है तो ये सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ की बुक है ये जो पैसे हमें दिए गए हैं फिफ्टी ट्वेंटी और फाइव इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ बनते हैं इसका क्या मतलब है कि हम ये चीज़ ख़रीद सकते हैं ठीक है ये टेन रुपीज़ की पेंसिल है लेकिन ये टेन रुपीज़ नहीं थे इसलिए हम इसको बाय नहीं कर सकते इसलिए इस पर हमने कोई निशान नहीं लगाया ठीक है ये हमारे पास नाइन्टी रुपीज़ हैं इनको हमने ऐड किया ये नाइन्टी बनते इसका मतलब है कि हम ये फ़ुटबॉल ख़रीद सकते हैं ये जो स्नैक्स हैं फिफ्टी टू रुपीज़ के हैं लेकिन

ये जूस ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का है आइसक्रीम फोटी रुपीज़ की और ये बर्गर सिक्सटी फाइव रुपीज़ का हसान बाईज द जूस पैक एंड आई एंड आइस हसान ने एक जूस पैक और आइसक्रीम ख़रीदी या ख़रीदता है हाउ मच मनी डज़ ही स्पेंड और वो इस पर कितने पैसे खर्च करता है ठीक है टू फाइंड द टोटल कॉस्ट कीमत को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे ट्वेंटी फाइव में अगर फोटी को ऐड किया जाए तो सिक्सटी फाइव आ जाता है हसान हैज़ रुपीज़ फ़िफ्टी ओनली ही वॉन्ट्स टू बाई अ बर्गर ऑफ सिक्सटी फाइव रुपीज़ हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड ठीक है हसान के पास पचास रुपए हैं और वो सिक्सटी फाइव रुपीज़ का एक बर्गर खरीदना चाहता है तो उसको कितने पैसों की जरूरत है तो हम सिक्सटी फाइव में से फिफ्टी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्टीन इसका क्या मतलब है कि हसान को फिफ्टीन रुपीज़ की जरूरत है अच्छा ये क्या है कि लुक एट दी फॉलोइंग आइटम्स इन देयर प्राइसेस इन दिन सॉल्व अबी बॉट अ बॉल एंड अ कैंडी हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड कॉस्ट ऑफ द बॉल थर्टी रुपीज़ कॉस्ट ऑफ द कैंडी फाइव रुपीज़ देन वी विल एड दे एंड द आंसर विल बी थर्टी फाइव रुपीज़ इसका क्या मतलब है कि उसने थर्टी फाइव रुपीज़ खर्च किया हम द वॉन्ट्स टू बाई अ वाटर पेंट ही हैज़ रुपीज़ फोटी टू हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड तो उसका हमने फिफ्टी एट को हमने फोर्टी टू में से माइनस किया तो हमारे पास सिक्सटीन आया ठीक है मरियम बॉटा वाटर पेंट इंड अ बॉल हाउ मच मनी डिज्स हीज पेंट ठीक है फ़िफ्टी एट में थर्टी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया एटी एट इसका मतलब है कि उसने कितने पैसे खर्च किए उसने एटी एट रुपीज़ खर्च किए हैं ठीक है थीके? अच्छा अली एंड अली हैड रुपीज़ नाइन्टी फाइव ही बॉट अ बुक अली के पास नाइन्टी फाइव रुपीज़ हैं वो एक बुक खरीदना चाहता है हाउ मच मनी वॉज लेफ़्ट विद अली अली के पास बाकी कितने पैसे बचे थे तो नाइनटी फाइव में से हमने एट्टी टू को माइनस किया तो बाकी क्या बचे थर्टीन इसका मतलब है कि अली के पास तेरह रुपए बचे थे अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज कम्प्लीट फॉलोइंग टू वन रुपी कॉइन इक्वल फाइव वन रुपी कॉइन्स ठीक है वन फिफ्टी रुपी नोट इक्वल फाइव टेन रुपी नोट्स टिक द ग्रुप विद द करेक्ट अमाउंट ये रुपीज़ थर्टी है और ये जो ग्रुप है इसमें भी हमारे पास थर्टी रुपीज़ हैं तो इसको हमने क्या कर लिया टिक कर लिया ये रुपीज़ ट्वेंटी है इस ग्रुप में हमारे पास क्या है ट्वेंटी रुपीज़ हैं ये इनको हमने ऐड किया इस वजह से हमने इसको क्या कर लिया टिक कर लिया पेज नंबर हंड्रेड पे आ जाए अच्छा काउंट एंड राइट द करेक्ट अमाउंट ये जो हमारे पास पैसे हैं इनको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास कितने रुपीस बनते हैं एटी रुपीस ये हमारे पास कितने रुपीस हैं थर्टी थ्री रुपीस ये हमारे पास एटी फाइव रुपीस हैं और ये हमारे पास थर्टी थ्री रुपीस हैं और इसका हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास इतनी अमाउंट है हमने इनको ऐड किया हमने फिफ्टी में हमने टेन टेन और टेन को ऐड किया ठीक है तो हमें पता चला कि हमारे पास एटी रुपीज़ थे ठीक है इस तरह से बाकी को भी ऐड करना है ठीक है उसके बाद है कि लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइस एंड सॉल्व हारिस बॉट अ ट्रेन एंड अ डक फ्रॉम अ टॉय स्टोर हारिस ने खिलौनों की दुकान पर से एक ट्रेन और एक डक ख़रीदी हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड तो उसने इस पर कितने पैसे खर्च किए कॉस्ट ऑफ द ट्रेन ट्रेन की क्या कॉस्ट है सिक्सटी थ्री और डक की क्या कॉस्ट है कीमत है ट्वेंटी फाइव अब हमने क्या करना है इनको ऐड करना है तो सिक्सटी थ्री में हम ट्वेंटी फ़ाइव को ऐड करेंगे तो हमारे पास एटी एट रुपीज़ आते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आयशा वांट्स टू बाय अ टेडी बियर आयशा एक टेडी बियर ख़रीदना चाहती है एंड शी हैज़ रुपीज़ फ़िफ्टी उसके पास फिफ्टी रुपीज़ हैं हाउ मच मनी डज शी नीड तो उसको कितने पैसों की ज़रूरत है और टेडी बियर है वो सेवेंटी रुपीज़ का मिल रहा है टेडी बियर की क्या कीमत है सेवेंटी रुपीज़ और आयशा के पास फिफ्टी रुपीज़ है तो हम सेवेंटी में से फिफ्टी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है ट्वेंटी इसका मतलब है कि उसको ट्वेंटी रुपीज़ की ज़रूरत है तो बच्चों यूनिट फोर हमारे यहाँ पे एंड हो रहा है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट फाइव स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है टाइम ठीक है हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज होंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना यूनिट नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे ठीक है तो हमारा जो यूनिट नंबर फाइव है वो क्या है उसका टॉपिक है टाइम ठीक है तो यूनिट फाइव में आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक टाइम ठीक है ये हमारा है टाइम टाइम का उर्दू मीनिंग क्या होता है वक्त ठीक है उर्दू मीनिंग क्या है इसका वक्त अच्छा तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि हु इज करेक्ट सारा और अहमद ठीक है सारा कह रही है नहीं अहमद कह रहा है कि इट इज़ ट्वेल्व ओ क्लॉक के मतलब अभी बारह बज रहे हैं जबकि सारा कह रही है नो no, नहीं इट इज़ सेवन ओ क्लॉक अभी सात बज रहे हैं ठीक है तो ये सामने घड़ी है इस पर आप देखें इस पर जो न, ये छोटी सुई है ये सात पे है और बड़ी सुई बारह पे है इसका क्या मतलब है कि अभी सात बज रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि सारा इज़ करेक्ट ठीक है सारा जो है वो सही कह रही है ठीक है सारा इज़ करेक्ट सारा क्या कह रही है सही कह रही है या सारा सही है ठीक है इसका क्या हम लिखेंगे सारा इज़ करेक्ट तो बच्चों टाइम देखिए हम लोग स्कूल जाते हैं उसका भी हमारा एक टाइम होता है ठीक है हम टाइमिंग पे स्कूल जाते हैं फिर हमारा एक छुट्टी स्कूल से जब आपको छुट्टी होती है उसका भी टाइम होता है ठीक है हर चीज़ का टाइम होता है मतलब हर काम हम अपने टाइम पे करते हैं ठीक है थीके? तो टाइम जो वक्त होता है टाइम देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम क्लॉक का यूज़ करते हैं क्योंकि हम घड़ी पर से ही टाइम को देखते हैं और हमें टाइम का अंदाज़ा होता है ठीक है पहले ज़माने में ये होता था कि पहले ज़माने में घड़ियाँ ये चीज़ें नहीं होती थी ठीक है ना ही वॉचेस होती थी ना ही वॉल जो वॉल क्लॉक्स होती हैं वो भी नहीं थी ठीक है तो पहले सूरज और चांद को देख कर वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था कि इस टाइम क्या वक्त हो रहा है ठीक है तो पेज नंबर वन ज़ीरो टू पर आ जाए पेज नंबर वन ज़ीरो टू अच्छा तो इसमें हम सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ें क्लॉक क्लॉक का क्या मतलब होता है घड़ी ठीक है क्लॉक का क्या मतलब है घड़ी व्हाट टेल्स द टाइम ठीक है हमें टाइम कौन बताता है टेल्स का क्या मतलब होता है बताता है या बताना अस हमें ठीक है द टाइम कि हमें वक्त कौन बताता है अ क्लॉक टेल्स द टाइम तो हमें कौन वक्त बताता है हमें एक घड़ी टाइम बताती है मतलब वक्त का बताती है ठीक है अच्छा देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक्स घड़ियों की दो किस्में होती हैं टाइप्स ता, का क्या मतलब होता है किस्म किस्में ठीक है ये किस्म की जमा है किस्में टाइप्स ठीक है तो घड़ियों की क्लॉक्स घड़ियाँ ठीक है घड़ियों की दो किस्में होती हैं दो टाइप्स होती हैं ठीक है ठीके? एक होती है एनालॉग क्लॉक और दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक ठीक है अब हमने ये देखना है कि एनालॉग जो क्लॉक होती है वो कौन सी होती है और डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहली जो चीज़ है कि हमें टाइम का कौन बताता है तो हमें टाइम वक्त का हमें कौन बताता है घड़ी ठीक है क्लॉक हमें टाइम का बताती है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है ठीक है अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक्स घड़ियों की दो किस्में होती हैं ठीक है कि नीचे से घड़ियों की क्या होती हैं दो किस्में होती हैं सबसे पहली वाली हमने क्या पढ़ी एनालॉग क्लॉक और दूसरी डिजिटल क्लॉक ठीक है अब हम देखते हैं कि एनालॉग क्लॉक कैसी होती है वो दिखने में कैसी होती है और उस पर हम टाइम किस तरह से देखते हैं ठीक है लुक एट दिस क्लॉक ठीक है ये देखिए ये आपको ये घड़ी नज़र आ रही है और ये भी बनी हुई है ठीक है आप इस घड़ी की तरफ देखें इट इज़ एन एनालॉग क्लॉक ये कौन सी घड़ी है ये एनालॉग क्लॉक है ठीक है ये जो आपको नजर आ रही है ये सर्कल में जो है ठीक है जिसको हम अक्सर वॉल पे भी हैंग करते हैं दीवार पे भी लटकाते हैं ठीक है थीके? ये कौन सी घड़ी होती है ये होती है एनालॉग क्लॉक होती है ठीक है ये एनालॉग क्लॉक होती है इट हैज़ टू हैंड्स ठीक है इसके दो हैंड्स होते हैं ठीक है ये हैंड्स किसको बोल रहे हैं ये जो आपको दो सुइयाँ नजर आ रही हैं ठीक है थीके? एक ये छोटी सुई है और एक ये बड़ी सुई है ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हैंड्स बोलते हैं ठीक है इट हैज़ टू हैंड्स इसके दो हैंड्स होते हैं अ मिनट हैंड एंड एन आवर हैंड विच टेल्स अस द टाइम ठीक है एक जो है हैंड होता है जो हमें मिनट uh, का बताता है जबकि जो दूसरा हैंड है वो हमें घंटे का बताता है ठीक है अवर का क्या मतलब होता है घंटा ठीक है और मिनट ठीक है ठीक है अब इसकी समझ आ गई है कि जो एनालॉग क्लॉक होती है उसके क्या होते हैं दो हैंड्स होते हैं ठीक है एक जो हैंड होता है वो हमें मिनट का बताता है जबकि जो दूसरा हैंड है वो हमें किस चीज़ का बताता है हमें आवर घंटे का बताता है ठीक है द लॉन्ग हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट हैंड ठीक है ये जो लॉन्ग हैंड है ये जो लंबी सुई है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम मिनट हैंड कहते हैं ठीक है ये जो लंबी सुई है ये हमें मिनट्स का बताती है कि इस टाइम ये टाइम मतलब कितना कौन सा मिनट चल रहा है ठीक है इट शोज़ द टाइम इन मिनट्स ठीक है इट शोज़ द टाइम इन मिनट्स ये हमें किसका बताती है ये हमें मिनट्स का बताती है ठीक है ये जो आ, ये वाला ये जो हैंड है लॉन्ग हैंड ठीक है जो लंबी सुई है ये हमें किस चीज़ का बताती है हमें मिनट्स का बताती है ये हमें टाइम को शोज़ का क्या मतलब होता है दिखाना या दिखाती ठीक है दिखाती ये हमें टाइम किस में शो करती है मिनट्स में शो करती है ये जो लॉन्ग हैंड होता है जो लंबी सुई होती है ठीक है द शॉर्ट हैंड इज़ कॉल्ड द आवर एंड ठीक है जो शॉर्ट हैंड है जो छोटी सुई है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम आवर एंड कहते हैं आवर मतलब घंटा ठीक है इट शोज़ द टाइम इन आवर्स ये जो छोटी सुई है ये हमें टाइम किस में दिखाती है हमें टाइम आ, घंटू में शो करती है ठीक है ये हमें घंटू का बता दिए कि इस टाइम कितना घंटा हो गया या कौन सा घंटा चल रहा है ठीक है तो इसमें जो एनालॉग क्लॉक होती है ठीक है इसमें हमारे पास दो हैंड्स होते हैं एक लॉन्ग हैंड और एक शॉर्ट हैंड जो लॉन्ग हैंड है वो हमें टाइम किस में बताता है हमें टाइम किस में शो करता है मिनट्स में शो करता है जबकि जो शॉर्ट हैंड है वो टाइम हमें आवर्स में शो करता है ठीक है तो जो लॉन्ग हैंड है उसको हम उर्दू में बड़ी सुई बोलते हैं और जो शॉर्ट हैंड है उसको हम छोटी सुई भी कहते हैं ठीक है द एनालॉग क्लॉक हैज़ नंबर्स फ्रॉम वन टू टू वन टू ट्वेल्व इन ऑर्डर ठीक है अब जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक है ठीक है इसमें हमारे पास नंबर्स कहाँ से वन से लेके ट्वेल्व होते हैं ठीक है एक ऑर्डर का क्या मतलब होता है तरतीब ठीक है ये जो एनालॉग क्लॉक है ये हम इस पर ये आपको यहाँ पे ये देखें ये नंबर्स नज़र भी आ रहे हैं कि ये भी बनी है ये भी बनी है आपको जो क्लियर वो हो रही है आप उसको देखें ठीक है अब हम जैसे इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वन से लेके कर ट्वेल्व तक एक ऑर्डर में लिखे हुए एक तरतीब से लिखे हुए ठीक है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है वन से लेके ट्वेल्व तक जो नंबर्स हैं वो किस में लिखे हैं एक तरतीब में लिखे हैं एक ऑर्डर में लिखे हुए ठीक है द अबव क्लॉक शोज दैट द आवर एंड इज़ एट टू एंड द मिनट हैंड इज़ एट ट्वेल्व ठीक है ये जो ये घड़ी है ये क्या शो कर रही है ये शो कर रही है कि जो आवर एंड है, मतलब जो छोटी सुई है वो दो पर है ठीक है जबकि जो बड़ी सुई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम मिनट हैंड कहते हैं वो किस पे है ट्वेल्व पे है ठीक है सो वी कैन से दैट द टाइम इज़ टू ओ क्लाक सो हम क्या कह सकते हैं कि इस टाइम uh, क्या वक्त हो रहा है दो बज रहे हैं ठीक है टू ओ क्लाक को हम उर्दू में किस तरह से बोलेंगे कि हम कह सकते हैं कि अभी क्या वक्त हुआ है दो बज रहे हैं ठीक है क्योंकि जो छोटी सुई है वो टू पे है ठीक है ये जैसे हमें घंटे का बताती है जबकि जो बड़ी सुई है लॉन्ग uh, हैंड है ठीक है ये हमें टाइम किस में बता, बताता है मिनट्स में बताता है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि अभी क्या टाइम हुआ है टू ओ क्लॉक दो बज गए ठीक है तो आपको एनालॉग जो क्लॉक है इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से होती है ठीक है ये देखें ये सर्कल में है आपको नज़र आ रही है इस पर जो नंबर्स है वो वन से ले कर ट्वेल्थ तक एक तरतीब में लिखे होते हैं एक ऑर्डर में लिखे होते हैं ठीक है थीके? इसकी के दो हैंड्स होते हैं एक लॉन्ग हैंड होता है और एक शॉर्ट हैंड होता है अब जो लॉन्ग हैंड है ये जैसे आपको नजर आ रहा है ये आपको टाइम मिनट्स में बताता है जबकि जो शॉर्ट हैंड है ये आपको टाइम किस में बताता है हावस में बताता है मतलब घंटों में आपको टाइम बताता है ठीक है तो एनालॉग क्लॉक के क्लॉक के बारे में हमने पढ़ लिया अब हमारे पास दूसरी टाइप पहली टाइप क्या थी एनालॉग क्लॉक दूसरी टाइप हमारे पास क्या है डिजिटल ठीक है अब हम देखते हैं कि डिजिटल क्लॉक किस तरह से कैसे किस तरह की होती है ठीक है और वो हमें किस तरह से टाइम का बताती है तो पेज नंबर वन ज़ीरो थ्री पे आ जाएं लेट्स रीड द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक बिलो ठीक है अब यहाँ पे हमें एनालॉग क्लॉक दिए ठीक है ये किस तरह से किस शेप में ये एक इस तरह से भी है जिसको हम दीवार पे टांग सकते हैं ठीक है लटका सकते हैं ये वॉच जो हम अपनी कलाई पे बांधते हैं और ये टाइम पीस जिसको हम लोग न, न, कहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं किसी भी टेबल वगैरह पे ठीक है अब यहाँ ये यह हमें डिफरेंट एनालॉग क्लॉक्स दी हैं ठीक है और इस पर टाइम दी है कि हम इस टाइम को रीड करें हम पढ़ सकें और हम समझ सकें कि क्या टाइम हो रहा है ठीक है तो ये जो छोटी सुई है ये जो शॉर्ट हैंड है ये किस पे है थ्री पे है तीन पे है जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो ट्वेल्व पे है तो हमने क्या पढ़ा था कि जो शॉर्ट हैंड है वो आपको किसका बताता है आपको तो आवर्स बता का बताता है गेंटों का बताता है जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो आपको किसका बताता है मिनट्स का बताता है ठीक है तो जो शॉर्ट हैंड है वो थ्री पे है, तो है, है और जो लॉन्ग हैंड है वो ट्वेल्व पे है इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हुआ है थ्री ओ क्लॉक मतलब तीन बज रहे हैं ठीक है क्या टाइम हुआ है थ्री ओ क्लॉक हुआ है ठीक है तीन बज रहे हैं थ्री ओ क्लॉक अच्छा उसके बाद हमारे पास ये वाली वॉच है ठीक है इसमें आप देखें कि जो स्मॉल हैंड है शॉर्ट हैंड है वो फोर पे है ये देखें वो फोर पे है जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो ट्वेल्व पे है ठीक है शॉर्ट हैंड फोर पे है ठीक है इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अब देखें जो शॉर्ट हैंड है वो फोर पे है जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है ट्वेल्व पे है इसका क्या मतलब हुआ कि क्या टाइम हो रहा है फोर ओ ठीक है चार रहे क्या टाइम हो गया है फोर ओ हो गया ठीक है अब ये वाली जो घड़ी है ठीक है ये वाली जो आपको एनालॉग क्लॉक नज़र आ रही है इसमें आप देखें कि जो छोटी सुई है ठीक है जो शॉर्ट हैंड है वो किस पे है एट पे है ठीक है ये एट आपको नज़र आ रहा है वो एट पे है जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो किस पे है ट्वेल्व पे है ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ क्या टाइम हो रहा है एट ओ क्लॉक ठीक है और हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो शॉर्ट हैंड है वो किस चीज़ का क्या चीज़ शो करता है शॉर्ट हैंड आवर्स में टाइम बताता है जबकि लॉन्ग हैंड है वो मिनट्स में टाइम बताता है ठीक है तो अभी क्या टाइम हुआ एट ओ क्लॉक ठीक है अच्छा इन एन एनालॉग क्लॉक द टाइम इज़ एक्सप्रेसड विद द हेल्प ऑफ अव... क्लॉक हैंड्स ठीक है इसका हमें ये बता रहे हैं कि जो एनालॉग क्लॉक होती है उसमें टाइम जो होता है एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना ठीक है जाहिर करना एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है एक इजहार करना और दूसरा क्या मतलब है जाहिर करना जाहिर करना ठीक है अब एनालॉग जो क्लॉक है वो हमें टाइम किस तरह से बताती है वो हमें क्लॉक हैंड्स के हेल्प से की मदद से हमें टाइम बताती है ठीक है अब जैसे एनालॉग क्लॉक है इस पे ये हमारे पास दो हैंड्स हैं ठीक है एक शॉर्ट हैंड है और एक लॉन्ग हैंड है अगर ये दोनों हैंड्स नहीं होंगे तो हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा ठीक है तो इसमें इस, इस, इस भी हमें ये क्या बता रहे हैं कि जो एनालॉग क्लॉक है उसमें हम टाइप टाइम को किसकी हेल्प से देखते हैं हम टाइम को क्लॉक हैंड्स की हेल्प से देखते हैं ठीक है ये जो दो सुई हैं इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं इनकी मदद से हम टाइम को देखते हैं ठीक है ये थी हमारे पास एनालॉग लॉक ठीक है तो बच्चों इसकी समझ आ गई है कि बेसिकली एनालॉग लॉक कौन सी होती है ठीक है एनालॉग लॉक क्लॉक जो होती है ठीक है ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्लॉक की दो टाइप्स होती हैं ठीक है थीके? एक एनालॉग और एक डिजिटल और अभी हमने किसके बारे में पढ़ा हमने एनालॉग क्लॉक के बारे में पढ़ा ठीक है तो जो एनालॉग क्लॉक होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं उसमें हमारे पास टू हैंड्स होते हैं ठीक है टू हैंड्स होते हैं ठीक है थीके? एक जो हैंड है वो किस को वो टाइम को हमें आ, किस में शो करता है मिनट्स में शो करता है ठीक है जो एक हैंड है वो हमें टाइम को मिनट्स में बताता है जबकि जो दूसरा हैंड है वो टाइम को किस में बताता है आवर्ज़ में बताता है घंटे में बताता है ठीक है अब जो ये देखें अब ये जो क्लॉक है एनालॉग क्लॉक इसमें दो हैंड्स हैं है एक है लॉन्ग हैंड और एक है शॉर्ट हैंड अब जो शॉर्ट हैंड है वो क्या करता है वो टाइम को हमें घंटों में बताता है ठीक है कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है जबकि जो लॉन्ग हैंड है जैसे ये आपको नजर आ रही है लंबी सुई ठीक है शॉर्ट हैंड को हम छोटी सुई बोलते हैं और लॉन्ग हैंड को हम उर्दू में लंबी सुई भी बोलते हैं ठीक है जो लॉन्ग हैंड है वो हमें टाइम किस में बताता है मिनट्स में बताता है बताता है मिनट्स में बताता है ठीक है थीके? और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक होती है उसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो वन से लेके ट्वेल्व तक एक ऑर्डर में लिखे होते हैं एक सीक्वेंस में लिखे एक तरतीब से लिखे जैसे हमारे पास नंबर्स में सबसे पहले वन आता है वन के बाद टू आता है टू के बाद थ्री आता है थ्री के बाद हमारे पास फोर आता है फोर के बाद फाइव फाइव के बाद सिक्स सिक्स के बाद सेवन सेवन के बाद एट एट के बाद नाइन नाइन के बाद टेन टेन के बाद इलेवन और इलेवन के बाद क्या आता है हमारे पास इलेवन के बाद हमारे पास ट्वेल्व आता है ठीक है तो ये जो एनालॉग क्लॉक है इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम इसमें नंबर्स ऑर्डर में लिखे होते हैं ठीक है और एनालॉग क्लॉक में हम टाइम किसकी हेल्प से देखते हैं हैंड्स की जो उसके टू हैंड्स हैं उसकी हेल्प से हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या टाइम हो रहा है ठीक है बच्चों तो आज के लेक्चर में इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़